एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा मैक्रोनी का रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने तो मैक्रोनी बहुत ही बार बनाया होगा दोस्तों, लेकिन मेरे स्टाइल से बना के देखें, झटपट बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी और आप शाम के नाश्ते में या सुबह के नाश्ते में इजीली बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पास्ता को बॉयल कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसमें एक कप पास्ता दिया था, इतना सारा ये बॉयल होके आया है। ये देखिए, आप लोग भी अच्छे से इसको बॉयल करें दोस्तों। ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, वरना पास्ता बनाते बनाते जो है हमारी वो टूट जाएगी, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, आप सरसों के तेल में भी बना सकती हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और एक चम्मच सरसों का तेल। मैंने दोनों ऑयल को मिक्स करके लिया है, इससे स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो एक भी ऑयल ले सकते हैं। इस तरीके से ऑयल को फैलाना है। बहुत ही कम तेल में मैं बना रही हूँ दोस्तों, नॉनस्टिक का बर्तन का यूज़ किया है। ये देखिए, इसमें तेल गर्म होने के बाद मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा को थोड़ा सौते होने दूँगी अच्छे से। दोस्तों वीडियो बहुत लेट से आ रही है, उसके लिए सॉरी, तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लेट से हमारा वीडियो आ रहा है। ये देखिए, आप डाल देंगे हम लोग अच्छे से जीरा को बनने देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम लोग कटा हुआ मिर्ची। ये देखिए, इस तरीके से मैंने लंबा लंबा चीरा लगा के मिर्ची को कट किया है। साथ ही डाल देंगे हम लोग यहाँ पे कटा हुआ प्याज। इसी तरीके से बनाए दोस्तों, बच्चों के लिए बना रही है तो प्याज की क्वांटिटी और हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकती है। तो हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे इसको, खूब अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन करना है, जिसे अच्छा स्वाद आएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो पर अगर नए हैं तो, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, साथ ही में कटा हुआ मैंने लहसुन डाल दिया है दोस्तों। इसमें जिस तरीके से बना रही हूँ दोस्तों, आप उसी तरीके से बनाएं, इसी मेथड से बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही डिलीशियस लगेगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कम सामान में जो भी घर में मेरा अवेलेबल है उससे मैं बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही फ्रेश लगेगा खाने में, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, जो आप घर में बच्चों को बना के इजली दे सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। देखिए, इस तरीके से इसको भूनते रहना है हम लोगों को। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर सा वीडियो डाला है, आप लोग उन लोगों को भी जाके चेक करें ज़रूर। देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पे डाल रही है मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। जो भी मसाला आप खाती हैं वो आप ज़रूर डालें। दोस्तों मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा मीट मसाला का पाउडर, आप सब्जी मसाले का भी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डालें ज़रूर इस चीज़ को, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर इन लोगों को हम लोगों को मिला देना है अच्छे से, इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, खूब अच्छे से इसको मिलाना है दोस्तों, खूब अच्छे से इसको फ्राई कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब साथ में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक और आधा टमाटर काट के लिया है, आपको जितना खट्टा पसंद है और जिस हिसाब से टमाटर खाना पसंद है उस हिसाब से डालें, लेकिन आप ज़रूर डालें, टमाटर को स्किप ना करें। मैं जो भी डाल रही हूँ वो चीज़ को आप ज़रूर डालें, जिससे हमारा मैक्रोनी पास्ता बहुत ही टेस्टी बने और बहुत खाने में अच्छा लगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ही आप सब कुछ सब्जियों को कट करें और डालें। साथ में डाल दिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक, जितना मैक्रोनी में लगेगा। मैंने उबालते वक्त नहीं डाला था नमक, अगर आप चाहो तो हल्का नमक डाल सकते हो, वरना आप ऐसे भी उबाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से इसको भूनना है। अब नमक डालने के बाद थोड़ा पानी छूटेगा, क्योंकि टमाटर डाला है हम लोगों ने, इसको हम लोग भूनेंगे जब तक हमारा सारा पानी सूख ना जाए। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा पानी छूट रहा है, वो पानी सूख जाए इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि वो हमारा मसाला रेडी हो गया है भून के।
जो भी हम लोगों ने प्याज टमाटर का बनाया है, ये देखिए इस तरीके से बनाइए। मानसून का समय है, खाने में बहुत ही टेस्टी डिलीशियस लगेगा। इस टाइम में शाम के चाय के साथ आप आराम से पास्ता खा सकती हैं। यहाँ देखिए मैंने ले लिया है टमाटो केचप, 2 चम्मच के करीब टमाटो केचप है। आप इसमें कोई भी सॉस डाल सकते हैं अपने पसंद का। यहाँ देखिए डाल दिया मैंने टमाटो केचप, साथ ही डाल लूँगी मैं ग्रीन चिली का ग्रीन चिली सॉस। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ग्रीन चिली सॉस है दोस्तों, ये होममेड ग्रीन चिली सॉस है। अगर आप लोगों को चाहिए इसका रेसिपी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी। साथ ही डाल दिया मैंने विनेगर, बहुत ही गजब का बनता है, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल जितना वेजिटेबल्स है आप इसमें यूज़ कर सकती, जैसे कि ब्रोकली, गोभी, गाजर, अगर ये सब है तो आप ज़रूर डालें, पत्ता गोभी भी डाल सकती है, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरीके से बना रही है प्याज टमाटर के साथ तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि स्वाद चेंज होगा, बहुत ही गजब का स्वाद लगेगा। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम लोग ये बॉयल किया हुआ पास्ता जो है इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए सॉस की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकती हैं, अगर बनाने के बाद भी ऊपर से आप लगा डाल के खा सकती हैं। ये देखिए लेकिन इस तरीके से ही सॉस को आप डालें जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर से सॉस डाल के सर्व कर सकती हैं। ये देखिए अब इसको अच्छे से पूरा अच्छे से मिलाना है ताकि मसाले और जो पास्ता मैक्रोनी है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए कितना देखने में टेस्टी लग रहा है दोस्तों, बहुत खाने में तो और भी ज़्यादा गजब का लगता है। ये देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है पास्ता हमारा, बिल्कुल फ्रेश खिला खिला सा पास्ता है, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा है। दोस्तों जब आप पास्ता बॉईल करती है तो उस पास्ता के पानी को फेंकें ना, उस पास्ता के पानी को वापस से आप इसमें यूज़ कर सकती हैं, जिससे इसका टेस्ट दुगुना हो जाएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है तो फिर पानी नहीं डालेंगे हम लोग। ये देखिए कितना स्वादिष्ट तरीके से ये बिल्कुल हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना गजब का लग रहा है देखने में। देखिए रेडी है हमारा गर्मा गर्म पास्ता, इसको बिल्कुल खाइए, सर्व करके बच्चों को दीजिए, खुद भी खाइए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा आपको पास्ता का रेसिपी, और किस चीज़ का रेसिपी आप लोगों को देखना पसंद है, मैं किस चीज़ की रेसिपी लेके आऊँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक देके ज़रूर जाइएगा वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पास्ता को इन्जॉय करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।